कौन है मीज़ान जाफरी और हंगामा 2 में कौन कौन सी कास्ट हंगामा मचाने वाली है। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। मेरा नाम है निदा और आज मैं उस फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ जिसकी कॉमेडी आने वाले महीनों में बात की जाएगी, क्योंकि एक ऐसा वक्त चल रहा है कि इस वक्त हमें कॉमेडी की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन में अगर किसी चीज़ ने जिंदा रखा तो वो थे मीम्स, क्योंकि लोग उस पर हंसते थे, टाइम पास हो गया था और ये लॉकडाउन अच्छे से गुजर गया होपफुली। लेकिन अब आपको बता दूं कि ऐसी एक कॉमेडी फिल्म आ रही है जो ये साल भी आगे निकाल सकती है। ये फिल्म 2003 में हंगामा आई थी जिसमें अक्षय खन्ना नजर आए थे। इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है और अब ये फिल्म तैयार हो चुकी है, बन चुकी है। इस फिल्म में एक ऐसा एक्टर कास्ट हुआ है जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन है मीज़ान जाफरी और उनके अलावा इस फिल्म में कौन कौन कास्ट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि मीज़ान जाफरी जावेद जाफरी के लाडले हैं, बेटे हैं और उन्होंने सबसे पहले बॉलीवुड में डेब्यू किया था संजय लीला भंसाली की फिल्म मलाल से। फिर वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी और बाप ने ना करने दी मनमानी, यानी कि वही घिसी पिटी कहानी। आपको बता दूं वही नालायक लड़का लायक लड़की और माँ बाप जालिम कि नहीं सिमरन नहीं सिमरन नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, इस तरह की कहानी बहुत सारी होती हैं। यानी कि हर हफ्ते में एक बार तो ऐसी स्टोरी देखने को मिलती ही मिलती है जिसमें इस तरह की रूटीन वही रेगुलर कहानी होती है। इस फिल्म का ट्रेलर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कोई इस तरह से कोई खास भी नहीं था, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर अगर बात की जाए तो इसमें मीज़ान जाफरी ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल ज़रूर जीता था। इस फिल्म को किसी ने नहीं पहचाना, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन मीज़ान जाफरी को इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है एक्टिंग के तौर पर, क्योंकि इस फिल्म ने उनको बता दिया कि वो एक अच्छे एक्टर हैं और उनके चेहरे पर फेशियल एक्सप्रेशंस भी आते हैं। इस फिल्म के गाने भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, सिर्फ एक गाना आई शपथ ये थोड़ा सा सही था, इसके अलावा सारे गाने कॉपी लग रहे थे या सुने सुनाए लग रहे थे। आपको बता दूं कि इस फिल्म में संजय लीला भंसाली का काफ़ी प्रकोप था, क्योंकि इस फिल्म के जो मेन डायरेक्टर थे उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया है और इस फिल्म के ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स संजय लीला भंसाली की फिल्म से चुराए हुए लगते हैं। खैर, आज हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम मीज़ान जाफरी के बारे में बात करेंगे। तो मीज़ान जाफरी का सफ़र थोड़ा सा सही ही रहा है। तो मीज़ान जाफरी ने वहाँ से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके अलावा लुक्स के भी काफ़ी अमीर हैं, अगर आपने इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखा हो तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के कमेंट्स उनके पोस्ट के नीचे रहते हैं। और लेटेस्ट खबरों की बात अगर माने तो नवेली नव्या नंदा यानी कि अमिताभ बच्चन की नवासी इस एक्टर के साथ डेट कर रही है, सोर्सेज का ये कहना है। लेकिन अगर जब बात पूछी गई इनके बाप जावेद जाफरी से तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे एक साथ पले बढ़े हैं, एक ही स्कूल में गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मीज़ान जाफरी ने भी इस बात को खारिज कर दिया था, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सच में इन दोनों का कुछ सीन है, क्या ये दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हुए हैं? क्यों एक्टर्स या स्टार किड एक दूसरे की रिलेशनशिप छुपाते हैं? क्योंकि 2021 चल रहा है और इस वक्त COVID-19 के अलावा रिलेशनशिप भी नहीं छुपानी चाहिए। फिलहाल आगे चलते हैं। आपको बता दूं कि मीज़ान जाफरी के अलावा हंगामा 2 में शिल्पा शेट्टी परेश रावल भी दिखाई देंगे। लेकिन आपको अंदर की बात बताऊं कि सबसे पहले इस एक्टर ने गुजराती और साउथ फिल्मों में काम किया है। परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआती गुजराती फिल्म नसीब नी बलिहारी से की थी, जो आपको बिल्कुल नहीं पता थी, है ना? मुझे मालूम है। आपको बता दूं कि परेश रावल बहुत आगे निकल चुके हैं, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी हुई है और आजकल तो काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते हैं। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी इस फिल्म में दिखाई देंगी, जो कि बहुत फेमस एक्ट्रेस और एक पहले फॉर्मर मॉडल रह चुकी हैं। उन्होंने 93 में बाजीगर से डेब्यू किया था। इसके अलावा जिसके लिए उनको 2 फिल्मफेयर अवार्ड्स नॉमिनेशन मिले थे, अवार्ड्स नहीं मिले थे। उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में कॉमेडी इन्होंने की है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, राइटिंग में भी हाथ आजमाया है और उसमें भी उनका सिक्का जम ही गया है, तो इनके पास तो बैकअप प्लान है। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन, उन्होंने कहा है कि ये कॉमेडी फिल्म काफ़ी अच्छी होने वाली है और ये जिस तरह से बन के निकली है मुझे लगता है कि ऑडियंस को पसंद आएगी। फिलहाल देखते हैं कि क्या होगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज़ को, जहाँ पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।